हेलो गाइस, मैं कौशल साथ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सिखाया था और उसमें जो है हमने 5 एग्जांपल लिए थे, जिसमें से 4 एग्जांपल बताए थे और 1 एग्जांपल आप लोगों के लिए दिया था। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर ये हमसे नहीं बन पाया, आप इसे एक बार फिर से पुनः वीडियो बनाकर हमारे पर अपलोड कीजिए। तो चलिए आज हम उस कल के एग्जाम्पल को भी मैंने लिया और 4 एग्जाम्पल और अलग से लिया, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामों में आते हैं और इसको ध्यान पूर्वक सभी लोग समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे लगता है। ध्यान देंगे, पहले कल का हम बनाते हैं। पहला है कल वाला, जो है कल के वीडियो में जो एग्जाम्पल मैंने लिया था वो पहला है ई 2x माइनस e माइनस 2x बाई e 2x प्लस e माइनस 2x dx है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि इसमें से किसी एक को जो है t मानना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, लेकिन ये ध्यान रखना है कि t उसे ही माने जिसका डिप्रिशिएशन यानी अवकलन करने के बाद एक इसमें से कोई एक आ जाए। एक को माने तो दूसरा आ जाना चाहिए। ध्यान देते हैं, अगर हम t इक्वल टू लेते हैं e 2x प्लस e माइनस 2x, इसका डिप्रिशिएशन करेंगे तो dt by dx x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि यहाँ पर dx है, तो यहाँ लिखेंगे d e 2x by dx प्लस, ध्यान देंगे यहाँ जो डिप्रिशिएशन करेंगे तो ये 2x होगा, तो मल्टीप्लाई d 2x by dx प्लस यहाँ डिप्रिशिएशन करेंगे तो डी ई माइनस 2x बाई डी माइनस 2x मल्टीप्लाई डी माइनस 2x बाई dx। अब ध्यान देंगे dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है e के पावर x dx, यदि हो तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x प्लस c। उसी तरह ये हो जाएगा e के पावर 2x हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये 2 को कम बाहर निकालेंगे, कॉन्स्टेंट है तो ये dx बाई dx हो जाएगा, जिससे कि ख़त्म होकर जो 2 बचेगा यानी 2 प्लस। अब यहाँ से देखेंगे ये जो है e के पावर माइनस 2x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखेंगे ये हो जाएगा dt by dx equal to हो जाएगा, यहाँ से होगा ये 2 e के पावर 2x, ये माइनस को इधर करेंगे तो माइनस 2 e के पावर माइनस 2x। अब यहाँ से देखेंगे dt by dx equal to, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो e 2x माइनस e माइनस 2x। अब ध्यान देंगे यहाँ से 2 को इधर लेंगे, dx को उधर ले जाएंगे तो dt by 2 इक्वल टू हो जाएगा e 2x माइनस e माइनस 2x dx, इतना होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से जो हमारा होगा इंटीग्रेशन, यहाँ हमने जो है e 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बाई, अब इतना की जगह पर हमने t माना है, यहाँ रख देंगे t और dx। अब ध्यान देंगे अब यहाँ जो है हम इतना की जगह पर हम रखेंगे dt बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 बाई t, ये हो जाएगा dt बाई 2। 1 बाई 2 को जब बाहर करेंगे तो 1 बाई 2 बाहर होगा 1 बाई टी डी टी। अब यहाँ से 1 बाई 2, अब ये चूंकि 1 बाई हमने बताया था फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग मॉड एक्स मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो होगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब ध्यान देंगे यहाँ टी है तो टी होगा होगा। अब ध्यान देंगे 1 बाई टू, यहाँ पर हमारा जो t की जगह पर क्या माने थे, t
टी की जगह पर माने थे हम e2x प्लस e2x e के पावर माइनस 2x प्लस सी। इस तरह दोस्तों यह हमारा जो है इस समाकलन का जो है यह हमारा आंसर है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले एग्जांपल पर चलते हैं हम। चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगले एग्जांपल देखते हैं, बाबू इधर ध्यान देंगे, अब अगले एग्जांपल की तरफ चलेंगे। हमारा दूसरा एग्जांपल है tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। अब इस हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, पता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसी तरह यहाँ tan स्क्वायर थीटा, ये थीटा की जगह पर है टोटल, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी लिख देंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ये हमारा dx हुआ। अब ध्यान देंगे, अब जो है अलग अलग कर लेंगे, रूल के अनुसार अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। अब ध्यान देंगे, अब sec स्क्वायर का चूंकि फॉर्मूला लिखवाए थे, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan x प्लस c, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा tan, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, अब इसको जो है करने के लिए चूंकि हम तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखवाए थे tan x, लेकिन यहाँ पर x ना होकर यहाँ 2x माइनस 3 है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा, तो इसे मानेंगे हम लोग, तो माना t बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ से करेंगे dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा dx बराबर, जब हम निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। हम ध्यान देंगे यहाँ से, अब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, अब इतने की जगह पर हमने क्या माना, t माना, तो यहाँ पर जो है t रखेंगे sec स्क्वायर t, उसके बाद dx के जगह पर हमारा आया हुआ है dt बाई 2, यहाँ रख देंगे dt बाई 2। अब जो है यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से जो है देखेंगे dt बाई 2 माइनस ये जो है हमारा इंटीग्रेशन dx। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा होगा इस, अब ये फॉर्मूला पर बन गया, यानी ये sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c, इस फॉर्मूले पर है, x के जगह पर t है यहाँ पर। अब 1/2 को यहाँ से बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 को बाहर करेंगे ये, तो sec स्क्वायर t dt माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा x। अब ध्यान देंगे 1/2, अब इसका करेंगे तो tan t माइनस x प्लस c, अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 tan, और t का मान जो हमारा अभी माने हैं हम t बराबर 2x माइनस 3, तो यहाँ रख देंगे 2x माइनस 3 प्लस c, 2x माइनस 3 ये माइनस x प्लस c, इस तरह जो हमारा इसका समाकलन आया, यानी इसका जो हमने समाकलन इतना निकाला। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट x dx। अब इसको ध्यान देंगे, इसे जो है अब हम क्या करें, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे कि cot x को sin और cos के रूप में तोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस
कॉस को हम तोड़ेंगे तो कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है डी एक्स। अब यहाँ से जो है एलसीएम लेंगे, वन बाई एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। अब आगे देखेंगे इंटीग्रेशन, अब इस ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा यानी साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखेंगे, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ एक काम हमको ऐसा करना है जो कि हमारा काम बना है। जैसे ध्यान देंगे हम यहाँ क्या हम लोग वन बाई टू मल्टीप्लाई टू कर सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं होगा इसमें? चलिए नहीं होगा तो चलिए, क्योंकि दो दो कट जाएगा फिर हमारा वही मिलेगा। फिर लिख देंगे साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान देंगे डी एक्स, अब यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेशन, वन बाई टू को बाहर कर लेते हैं तो हमारा वन बाई टू बाहर हो जाएगा तो होगा अंदर टू साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, अब यहाँ से क्या हम लोग टू साइन एक्स को गौर करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़, यहाँ गौर करेंगे टू साइन एक्स को क्या हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं? फर्स्ट देखिए तो आप लोग भी ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और साइन कोई माइनस प्लस, तो ये काम करते हैं, इसे जो है हम लोग इस रूप में लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स, इस तरह इसको लिख देते हैं और ये जो है हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ताकि ऐसा इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ एक्स करेंगे तो अब इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, इसे हम चेंज करके लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऐसा अब इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब इसका माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, जो कि ये समाप्त हो जाएगा कॉस एक्स, ये दोनों ऐड होकर फिर हमारा टू साइन एक्स मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हमने किया, तो देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई ये है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान देंगे इतना तो हो सकता है, अब आगे देखेंगे वन बाई टू इंटीग्रेशन, अब अलग अलग इसको कर देते हैं तो अलग अलग करेंगे तो ये होगा कॉस डी एक्स, लिखना भूलिए मत, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक साथ ये होगा डी एक्स हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे वन बाई टू इंटीग्रेशन, ये समाप्त होकर क्या बच जाएगा हमारा डी एक्स बच जाएगा, इसको बड़े कोष्टक में लिख दें ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि वन बाई टू का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगा, तो यहाँ ऐसे बड़े कोष्टक दे देते हैं और ये डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारा बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब अगला होगा वन बाई टू, अब यहाँ से मानना पड़ेगा, यहाँ मानेंगे माना t बराबर
यह देखेंगे मानेंगे कि t बराबर साइन x प्लस कॉस x, जैसे ही मानेंगे तो इसका समाकलन करेंगे अवकलन करेंगे तो dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये साइन का जो हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा कॉस x, और कॉस का जो होता है वो साइन x होता है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं d साइन x प्लस कॉस x बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस x माइनस साइन x, ठीक है। अब यहाँ से dt जब निकालेंगे तो यहाँ dt बराबर हमारा हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x डी एक्स। अब ध्यान देंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमने हमारा आया है 1/2 इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा माइनस, अब यहाँ पर जो है हमने t बराबर इसको माना है तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बाई, कितना हो जाएगा ये t हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 1/2 इन कोष्टक में इंटीग्रेशन, अब इतना बराबर हमारा आया है कितना dt, आया है कि नहीं आया है, क्या आया है, तो यहाँ रख देंगे 1/t dt, यहाँ रख देंगे 1/t dt। अब ध्यान देंगे, अब हो जाएगा हमारा 1/2 x माइनस, इसका करेंगे तो log t, log मोड में t प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 1/2 x माइनस 1/2 log, और टी का मान जो है अभी माने हैं हम यहाँ पर, क्या माने हैं, साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, ठीक है। इस तरह जो है बाबू हमारा आंसर आया। ध्यान देंगे इसका जो है, इस वाले का जो है आंसर जो है हमारा ये प्राप्त हुआ, ये हमारा निकल कर आया। बहुत मज़ेदार है, सभी लोग इसको अनिवार्य रूप से देखेंगे इस वीडियो को, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन अनिवार्य है आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, बर्निंग में tan x बाई साइन x इंटू कॉस x डी एक्स, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान देंगे ये टेन एक्स, यहाँ पर एक चीज ये सवाल में ये इस पर नहीं करनी, बस इसी पर टेन पर ही करनी है, तो ये करनी में यानी अंडर रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जो है कॉस एक्स से एक बार कॉस एक्स का गुणा मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये कॉस एक्स डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा, पुनः वही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ टेन एक्स बाई हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे साइन एक्स
बाई इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये क्या बनकर आएगा हमारा, हमारा ये बनकर आएगा टेन एक्स बाई टेन एक्स बाई, ये जो है टेन टेन एक्स ही बनेगा क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इस तरह जो इतना बराबर हमने टेन एक्स लिखा। उसके बाद ध्यान देंगे ये जो है इसके इसका मल्टीप्लिकेशन वन हमेशा रहता है, तो वन बाई का सेक कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे ये हमारा टेन एक्स आया। अब मानेंगे यहाँ, अब यहाँ से इसको कटा देंगे, तो चूंकि देखिए अगर कर्णी में दो है अबाई कर्णी में रूट टू है अबाई टू है, अगर इसको कटाएंगे तो ये आएगा कर्णी में रूट टू यानी वन बाई रूट टू। जस्ट उसी प्रकार इसे भी कटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा वन बाई अंडर रूट टेन एक्स मल्टीप्लीकेशन से स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान देंगे और मानेंगे, माना t इज इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका आकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ t इज इक्वल टू मानेंगे टेन एक्स, ठीक है, तो ये डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टेन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ से निकल कर आएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से डी टी बराबर निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, उधर दे देंगे डी एक्स को तो मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इस यहाँ इसको हमने टी माना है तो लिखेंगे वन बाई अंडर रूट टी, और इतना की जगह पर हमारा क्या निकल कर आया है डी टी, तो लिख देंगे डी टी। अब इंटीग्रेशन, अब इसको लिखेंगे वन बाई टी वन बाई टू डी टी। अब यहाँ से करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस वन बाई टू डी टी, ठीक है। अब आगे देखेंगे इंटीग्रेशन, अब इसका जो है हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो है इस फार्मूला जो कि फार्मूला होता है एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, अब उसी पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। ध्यान देंगे अब हमारा यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ निकल कर आएगा ये टी के पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा बाई वन बाई टू सी। अब ये निकल कर आएगा टू अंडर रूट टी प्लस सी। अब चूंकि क्या माने हैं टी बराबर, तो टेन एक्स माने हैं तो टेन एक्स प्लस सी। इस तरह दोस्तों जो है हमने इसका जो है समाकलन हमने किया तो इतना आया। इस तरह हमने जो है चार पांच एग्जांपल लिए थे, पांच फाइव एग्जांपल में हमने फोर एग्जांपल जो है आपको किया। कल की तरह आज फिर मैं जो है आपको एक होमवर्क के रूप में ये फाइव पांचवा सवाल जो है आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, और इसे आप लोग कल करिए और कमेंट में हमें जरूर जवाब दीजिए। धन्यवाद।